नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं हम सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस एफिलिएट मार्केटिंग जीरो टू हीरो कोर्स के जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि Amazon.in के ऊपर आप अपना एफिलिएट अकाउंट जो है वो किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या डिटेल्स आपको वहां पे फिल करनी पड़ती हैं, और यहां पे जो है अगर आप पेमेंट अपना विड्रॉ करना चाहते हैं तो वहां पर आपके लिए क्या डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीजें जो है आपको मैं आज दिखाने वाला हूं हमारे इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा और मैं प्रैक्टिकली आपको ये चीज दिखाने वाला हूं, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। तो उसके लिए मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे, और वहीं चल के देखते हैं कि Amazon एफिलिएट प्रोग्राम के लिए जो है आपको कहां जाना है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितने कमीशन रेट्स वगैरह हैं, वो भी आपके साथ मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, और क्या क्या डिटेल्स आपको रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि क्या है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस Amazon एफिलिएट प्रोग्राम के लिए। सो हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहां पर आपको गूगल पे ओपन करने के बाद लिखना है आपको Amazon एफिलिएट। आप यहां से भी जा सकते हैं, Amazon एफिलिएट लिखने के बाद आपको सबसे पहला जो लिंक है वो आपको Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम का लिंक मिलेगा, और आप यहां से जा सकते हैं या फिर आप Amazon.in की वेबसाइट पे डायरेक्टली जाएं Amazon.in पे, और यहां जाकर आपको सीधा स्क्रॉल डाउन करना है, और पूरा स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे जब आप पहुंचेंगे तो यहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा बिकम एन एफिलिएट। तो हमें यहां पर बिकम एन एफिलिएट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहां पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं उसी लिंक के ऊपर आ गए affiliate-program.amazon.in, तो वही लिंक जो है आपको यहां पर भी दिखाया गया था गूगल के ऊपर। तो चलते हैं Amazon के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कितना जो है आपको कमीशन मिलता है, आपकी अर्निंग जो है कितनी होने वाली है, तो वो सारी चीजें मैं आपको थोड़ा सा पहले डिस्क्राइब कर दूं, उसके बाद हम जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पे है सबसे पहले देखो ज्वाइन करने के लिए इट इज फ्री इजी टू ज्वाइन। यहां पे कोई भी आपको चार्ज पे नहीं करना होता है, बिल्कुल फ्री है आपके ज्वाइनिंग करने के लिए। अब यहां पे जैसे ही आप ज्वाइन करते हो उसके बाद आपको करना क्या, आपको एडवर्टाइज करना है, इनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, और जब वहां से आपका प्रोडक्ट बिकेगा आपके रेफरेंस से उसके बाद आपको क्या होगी, अर्निंग होगी। और यहां पे एक एवरेज की बात करी जाए तो आपका करीब 12% आपका जो है कमीशन जनरेट होता है। तो ये एवरेज है, अभी यहां पे ऐसा नहीं कि कुछ कम भी है कुछ ज्यादा भी, एवरेज आउट यहां पे 12% लिखा गया है। लेकिन अब आपकी एडवर्टाइजिंग फी कितनी है वो आपको यहां पे देखने, तो आप एडवर्टाइजिंग फी के ऊपर यहां पे क्लिक करते हैं, हम इसको एक नए टैब के अंदर ओपन कर लेते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं एसोसिएट प्रोग्राम एडवर्टाइजिंग फी शेड्यूल, तो यहां पे आपको पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो आप इसके इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है टेबल वन विच इज अ फिक्स एडवर्टाइजिंग रेट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड कैटेगरी। कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड कैटेगरी के लिए ये क्या करा गया है, फिक्स रेट दिए गए हैं। आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं और यहां पे उनका जो कमीशन आपको मिलने वाला है उसके ऊपर। अगर आप यहां पे किंडल डिवाइस एंड ई बुक्स वगैरह आप सेल करते हैं तो आपको करीब यहां पे 10% का कमीशन दिया जाता है। अगर यहां पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सेसरीज वगैरह सेल करते हैं जैसे कि डेटा स्टोरेज डिवाइस वगैरह, जैसे कि एग्जांपल के लिए पेन ड्राइव्स वगैरह जो हैं, तो वो उसके ऊपर आपको 4% का कमीशन दिया जाएगा। अब यहां पे मोबाइल फोन्स की अगर बात करें, देखो यहां पे लगा हुआ है स्टार, यहां पे स्टार लगा है तो मतलब आपको हर मोबाइल के ऊपर ये परसेंटेज आपको नहीं मिलेगा। यहां पे 2.5% कमीशन आपको हर मोबाइल के ऊपर नहीं मिलने वाला, कुछ मोबाइल के ऊपर आपको कम मिलेगा, कुछ के ऊपर हो सकता है नहीं भी मिले। तो ये जो जहां पे भी आपका स्टार लगा तो वो चीज को आपको ध्यान से देखना है। अब देखो यहां पे एप्पल का आईफोन या एप्पल का 7 या एप्पल का 8 या 8 प्लस जो है, यानी कि एप्पल के जो प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर आपको कितना मिलना है, उसके ऊपर भी आपको यहां पे 2.5% कमीशन मिलना है। मोबाइल एक्सेसरीज में भी यहां पे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब सभी के ऊपर जो है आपको यहां पे 4% कमीशन नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से यहां पे आप देख सकते हैं अगर आप एप्रल एंड शूज वगैरह में जाते हैं तो आपको 9% कमीशन मिलता है, क्योंकि फैशन जो है वो काफी अच्छा चलता है। और हेल्थ एंड पर्सनल केयर वाले प्रोडक्ट्स को अगर आप यहां पे प्रमोट करते हो तो आपकी सेल की ऊपर जो भी सेल होगी उसके ऊपर 8% कमीशन आपको
मिलने वाला। तो इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज बताई गई हैं जिनके ऊपर जो है आपको कितना कमीशन मिल सकता है वो आप यहां से देख सकते हो। लेकिन यहां पे नीचे आपको ध्यान देना, क्योंकि वहां पे ऊपर स्टार लगा हुआ था तो यहां पे लिखा हुआ न्यू मोबाइल फोन एट 1%। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, 1% फिक्स्ड एडवर्टाइजिंग फी। यहां पर जो आपके मोबाइल के जितने भी मॉडल नंबर्स वगैरह लिस्ट करे गए हैं इन सब के ऊपर आपको कितना कमीशन मिलेगा, सिर्फ जस्ट 1%। ऑनर 8X या प्ले AI या 8C या Vivo 20 है ना, View 20 जो है हुवई का है, इनफोकस हो गया, OnePlus 7 सीरीज हो गई और 6T हो गया, फिर यहाँ पे ब्लैकबेरी वगैरह हो गया, ओप्पो F11 वगैरह प्रो एवेंजर एडिशन हो गया, K3 हो गया, रेनो हो गया, यहाँ पे जो है आपका बहुत सारे शाओमी के रेडमी 7, रेडमी Y1, रेडमी Y3, ये सब चीजों के ऊपर, इन सभी फोन्स के ऊपर आपको क्या मिलने वाला है, सिर्फ 1% कमीशन मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे अगर इन प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इनके ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाला है, 1% कमीशन मिलने वाला है। अदर देन दिस, जो इसके अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट नहीं है उनके ऊपर आपको 2.5 जो परसेंट कमीशन है वो आपको मिलने वाला है। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक चीजें और भी लिखी हुई है यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब एफिलिएट प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट नीचे लिस्ट करे गए हैं जिनके ऊपर आपको क्या नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे कोई भी आपको फी जो है आपका कोई भी कमीशन रेट जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका फ्लाइट बुकिंग की बात कर लो, गिफ्ट कार्ड्स की बात करो, बिल पेमेंट्स एंड रिचार्ज की बात कर लो, वीडियो गेम कंसोल वगैरह की बात कर लो, प्रीमियम मेंबरशिप की बात कर लो, अमेजोन प्ले बटन प्ले बैलेंस पे बैलेंस की बात करो, शाओमी के रेडमी 6, एमआई A2 और रेडमी Y2 और रेडमी 5 और इनके ऊपर आपको क्या नहीं मिला, कोई भी कमीशन नहीं मिलने वाला। एप्पल के आईफोन X, आईफोन XR, आईफोन 6S एंड बिलो मॉडल जो है इनके जितने भी यहां इससे जो नीचे के मॉडल है उनके ऊपर आपको कोई भी कमीशन जो है वो नहीं मिलने वाला है। और उसी तरह से यहाँ पे LG का जो W30 है इसके ऊपर भी आपको कमीशन नहीं मिलने वाला है। तो ये चीजें चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एफिलिएट प्रोग्राम कर रहे हो, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं कि सीधा उठाते हैं ओके ये फोन जो है ज्यादा चल रहा है उसी को उठा के क्या करने लग जाते हैं, प्रमोट करने लग जाते हैं और फाइनली उनको जो है रिवेन्यू बहुत कम मिलता है, क्योंकि ये सारे ऐसे फेमस कैटेगरी के मोबाइल्स हैं जो कि काफी ज्यादा सेल होते हैं। तो यहां पे जो है आपको इन चीजों को ध्यान रखना है किसके ऊपर आपको कमीशन मिल रहा है और किसके ऊपर आपको कमीशन नहीं मिल रहा है। अब हम बात करते हैं यहां पे कि इसको ज्वाइन कैसे करना है। तो आप यहां पे ज्वाइन नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करते हैं, जैसे आप यहां पे करोगे ज्वाइन नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करना है वापस अगेन, आप यहां पे इस इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, यहां पर आपको क्रिएट योर Amazon अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर यहां पे आपको अपना नाम डालना है। से फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम नाम डाल देते हैं, मैं अभी अपना नाम डाल देता हूं, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल मनीष लिख देता हूं है ना, और यहां पे ईमेल आईडी में मैं डाल देता हूं यहां पे निरंकारी इन्फोटेक, ऑलरेडी आई थिंक इस अकाउंट से मेरा बना हुआ है, तो और कोई ट्राई करके देखता हूं यहां पे मनीष @gmail.com एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। और यहां पे आपको पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड हम यहां पे डाल देते हैं कुछ भी एक पासवर्ड डाल देते हैं, और उसके बाद वापस से आपको यहां पे पासवर्ड डालना है, और डालने के बाद आपको क्रिएट Amazon अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहां पे ये क्या बोल रहा है, मनीष इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये जो नाम है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके ये लिए यहां पे ये नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यहां पे मनीष सिंह कर देता हूं ये, और यहां पे मेरी एक कोई दूसरी आईडी इस्तेमाल कर लेता हूं, और इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। पासवर्ड डालना है तो मैं पासवर्ड यहां पे डाल देता हूं, दोबारा री एंटर पासवर्ड करना है आपको, पासवर्ड री एंटर कर दो। अब यहां पे जो है आपको कुछ एक इमेज दिख रही है, इस इमेज को आपको डालना है, अगर नहीं आपको समझ में आ रही है सी न्यू चैलेंज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे नई इमेज देखने को मिल जाएगी। तो आई थिंक यहां पे 4C8B और वापस से B और F जो है यहां पे लिस्ट किया गया। तो अब यहां पे क्रिएट योर Amazon अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अब आपके पास यहां पे जो आपने ईमेल आईडी आपको दी गई है उस ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आपको यहां पे एंटर करना है। तो मेरे पास जो ओटीपी आया है वो मैं एंटर कर देता हूं यहां पे।
और इसके ओटीपी एंटर करने के बाद आपको यहां पे वेरीफाई करना है, जो भी आपने ईमेल आईडी डाला उसी ईमेल आईडी के ऊपर आपको ये ओटीपी मिलेगा। अब इसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहां पे आपको पेई का नाम डालना है, पेई का नाम आपको वो डालना है जो आपके बैंक अकाउंट के अंदर है या फिर आपका पैन कार्ड के ऊपर है। तो आपका बैंक अकाउंट के ऊपर जो स्पेलिंग्स हैं और आपके पैन कार्ड के ऊपर जो स्पेलिंग्स हैं वो सारे सेम होने चाहिए, और यहां पर जो आप नाम डालोगे वो भी आपका बिल्कुल हूबहू सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ये मिसमैच हो जाएगा, कहीं आपके पैन कार्ड पे कुछ और है आपके बैंक अकाउंट में डिफरेंस जा रहा है और यहां पे आप अलग डाल रहे हो, तो आपके लिए यहां पे क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, आपका जो है यहां पे नहीं चलेगा। तो यहां पे अभी मैं यहां पे नाम लिख देता हूं, से पे नेम नीतू सिंह लिख देता हूं, और एड्रेस वगैरह जो है आपको अपना डाल देना है। तो यहां पे मैं डाल देता हूं निरंकारी इन्फोटेक, और यहां पे जो है इतना करके अभी छोड़ देता हूं, और सिटी जो है मेरे को डालनी है तो मैं सिटी यहां पे डाल देता हूं जोधपुर, और इसके बाद आपका स्टेट वगैरह क्या है वो आपको यहां पे सेलेक्ट करना है, तो मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूं, और यहां पे जो है आप पिन कोड वगैरह डालना है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर वगैरह डालना है। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहां पे मेरा मोबाइल नंबर कुछ और चेंज कर देता हूं, क्योंकि आई थिंक वो पहले से कहीं डला हुआ है। अब Who is the main contact for this account? अगर आप खुद हो तो आप खुद लिखो, या someone else है तो आप someone else लिख सकते हो। तो यहाँ पे the pay listed above जो है आप इसको टिक रहने दो। अब यहाँ पे for US tax purpose, are you a US person? तो हम US में नहीं रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, तो हम यहाँ पे no करते हैं, और इसको करना है आपको नेक्स्ट। नेक्स्ट करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका सारी डिटेल आपकी आ गई। अगर आपका यहाँ पे कोई चीजों को चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको क्या करो क्लोज कर दो। तो ये क्लोज करके जो है आपको नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करोगे तो आप देख सकते हैं यहां पे हमारा पहला अकाउंट इंफॉर्मेशन तो क्रिएट हो गई। अब आपको आपकी वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप वगैरह की लिस्ट जो है आपको यहां पे डालनी पड़ेगी। तो से फॉर एग्जांपल अभी आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है, तो आप अपना सोशल मीडिया का अकाउंट भी यहां पे लिंक कर सकते हो। मैं ये वाली वेबसाइट जो है यहां पे एक लिंक कर देता हूं, इसको ऐड कर देता हूं, और आगे बढ़ते हैं यहां पे नेक्स्ट करते हैं। तो जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे यहां पे आपसे और बहुत सारी डिटेल्स पूछी जाती हैं। अब यहां पे व्हाट इज दी प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी, आपकी स्टोर आईडी आपको किस हिसाब से चाहिए। तो यहां पे से फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिख देता हूं नीतू सिंह, और यहां पे छोड़ देता हूं इसको, और बाकी ये अपने आप ही उसमें ऐड कर देंगे। हमारी वेबसाइट यहां पे ऑलरेडी हमने डाल दी है। यहां पे व्हाट आर दी वेबसाइट और मोबाइल ऐप अबाउट, आपकी वेबसाइट जो है वो किससे, तो हम यहां पे लिख देते हैं एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट, अभी लिख देते हैं आपकी जो कैटेगरी की है आप डिटेल में यहां पे लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है आपको विच ऑफ दी फॉलोइंग टॉपिक बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप, तो उसमें से जो भी आपकी कैटेगरी आप सेलेक्ट करिए तो आप वहां पे सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपने निश सेलेक्ट करिए बेसिकली वही निश के अकॉर्डिंग आपको यहां पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहां पे ये ले लेता हूं, सब कैटेगरी में भी यही ले लेता हूं। अब आप अपने वेबसाइट के ऊपर क्या क्या प्रमोट करना चाहते हैं, तो हम यहां पे इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को छोड़ दो, इलेक्ट्रॉनिक करना चाहते हैं, ग्रोसरी करना चाहते हैं, टॉय किट करना चाहते हैं, कंप्यूटर ऑफिस की जो बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं उनको आप करना चाहते हो। व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल, आपकी वेबसाइट जो किस तरह की है, तो यहां पे आपको यहां पे कंटेंट और निश वेबसाइट है, तो मैं भी यहां पे कंटेंट और निश वेबसाइट को सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहां पे जो है आपका ट्रैफिक और मोनेटाइजेशन जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर किस तरह से है, पेड में है या फिर ईमेल के थ्रू है, यहां पे शॉपिंग पोर्टल के थ्रू है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है, सोशल नेटवर्क्स है, तो जैसा भी आपकी कैटेगरीज हैं वैसा आप यहां पे क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। तो से फॉर एग्जांपल हमारे पास यही है तो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट, अब अपनी वेबसाइट को जो है किस तरह से आप यूटिलाइज करते हैं, आप थर्ड पार्टी एफिलिएट करते हैं या ई एफिलिएट करते हो या फिर अदर एफिलिएट प्रोग्राम के साथ में चलाते हो, जैसा भी है आपका आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहां पे जो है हम थर्ड पार्टी कर लेते हैं और यहां पर भी थर्ड पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूं। हाउ डू यू यूजेबल बिल्ड लिंक बिल्डिंग, आप यहां जो लिंक जो है वो किस तरह से बिल्ड करते हो, तो यहां पे जो है आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए, अगर आप वर्डप्रेस वगैरह पे है आपकी वेबसाइट तो आप यहां पे सीएमएस को सेलेक्ट कर लें, एचटीएमएल को कर सकते हो, यहां पे मैनुअली टेक्स्ट कर सकते हो या अदर कर सकते हो, तो हम आप यहां पे सीएमएस सेलेक्ट कर सकते हो या जैसी भी आपकी वेबसाइट है वैसा कर सकते हो। अब यहां पे हाउ मेनी टोटल यूनिक विजिटर ऑन योर वेबसाइट, आप यहां पे आपकी अगर नई वेबसाइट है तो रिकमेंड की आप जो है 500 से 5000 के बीच में सेलेक्ट करें,
अगर आप ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक है तो आप एक्चुअल भी उसके अंदर पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज योर प्राइमरी रीजन फॉर ज्वाइनिंग एफिलिएट प्रोग्राम, तो अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम जो है आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, टू मोनेटाइज माय वेबसाइट राइट। तो यहाँ पे हाउ डू यू हेयर अबाउट इट, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन सर्च लिख सकते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे जो नीचे दिखाया गया कंटेंट है आपको इसको लिखना है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के अंदर इसको डालना है कैप्चा को, उसके बाद यू एग्री टू दिस टर्म्स वगैरह करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी और आप जो है सीधे के सीधे एसोसिएशन अकाउंट के लिए जो है फाइनलाइज कर दिए जाओगे। तो यहाँ पे मैं अभी फिनिश नहीं करूंगा, क्योंकि फिनिश करूंगा तो ये ईमेल आईडी भी मेरी इसके साथ में रजिस्टर हो जाएगी, तो ये ईमेल आईडी मैं रजिस्टर नहीं करना चाहता हूं। बट आप लोग यहाँ पे जाके फिनिश को जो है आपको अभी नेक्स्ट ऑप्शन नहीं करना है, सीधा फिनिश करोगे और फिनिश करने के बाद आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा और डैशबोर्ड के आगे की इंफॉर्मेशन जो है मैं आपको मेरा एक और जो अमेजोन का एफिलिएट का अकाउंट है वहां पर जो मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूं। सो दोस्तों आई एम श्योर कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है कोई भी आपको कुछ पूछना है मेरे से तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे जल्दी से नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।